एक वो मैडम और बोल ये है ना चैंपियन से जबलपुर को मिली कि व्यक्तिगत कंपटीशन कौन सा फाइट किया आप लोगों ने जबलपुर को कितनी बड़ी कामयाबी आप लोगों को अभी ये डिस्ट्रिक्ट का हुआ था जबलपुर में डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग की जिसमें 28 सितंबर को यहाँ कंपटीशन था जिसमें मैंने स्ट्रांग वुमेन का खिताब जीता था जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से। इसके बाद मेरा सिलेक्शन स्टेट के लिए हुआ जो कि रतलाम में आयोजित हुई थी अभी 13 अक्टूबर को, जिसमें और भी हमारे जबलपुर की बहुत सारी गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया था और पूरी स्टेट की टीम आई थी महिला, जिसमें मेरे को 2 गोल्ड और 1 चैंपियनशिप में स्ट्रांग वुमेन का खिताब मिला। मैं थाना यातायात में पदस्थ हूँ और हमारे सर लोगों का सहयोग रहता है जिनके कारण मैं ये कुछ कर पाई हूँ, और मेरे 2 छोटे बच्चे जिन्होंने मुझे फोर्स किया कि मम्मी आप खेल के आओ, तो आज मैं ये मेडल और ये प्राइज ली हूँ। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे बच्चों का है जिन्होंने मुझे खुद ने, दोनों जन अकेले घर में थे और मैं इस चैंपियनशिप के लिए निकली थी। ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि उनके सहयोग से ही मैंने ये चैंपियनशिप जीती। इसके वुमेन का खिताब आपके पास है, कैसे महसूस कर रहे हैं? मेरे को सबसे ज़्यादा गर्व है क्योंकि मेरे ऑफिसर्स एसपी सर और हमारे एडिशनल एसपी सर, टीआई सर, डीएसपी सर सब हमेशा मुझे सहयोग देते रहते हैं कि आपको जो भी सुविधा का या प्रैक्टिस का जो भी है उसमें ड्यूटी में मेरे साथ हमेशा कोऑपरेट करते हैं, इसलिए मैं ये सारी चैंपियनशिप जीत भी पाई हूँ। आगे मेरा नेशनल दिल्ली जाने का है तो मैं अपना बेस्ट करूँगी, कह तो नहीं सकती कि मेडल लेके आऊँगी पर मैं अपना बेस्ट दूँगी। निश्चित तौर पर ऐसी जो महिलाएँ हैं वो डिपार्टमेंट का नाम रोशन करती हैं और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ, मेरी उम्मीद यही है कि आने वाले समय में भी इसी तरीके से वो परफॉर्म करती रहेंगी। स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन ऑफ मध्य प्रदेश का खिताब ओपन चैम्पियनशिप में इनको मिला है, जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग हैं उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग कार्रवाई जनता के लिए करें, पुलिस का जो मोटो है जनसेवा उसकी अपेक्षा पर खरा उतरे, यही मेरी उनसे अपेक्षा है।